बात करें तो सबसे पहली न्यूज जो है वो निकल करके आई हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हर्षवर्धन सिंह की तरफ से, जिनका एक स्टेटमेंट सामने आया। जरा देखिए, पिछले साल कोरोना वायरस का ब्लेम दिया गया था निजामुद्दीन, तबलीगी जमात, इस टाइप की चीजों को। इस बार जो कोरोना वायरस का ब्लेम है वो चुनावी रैलियों को नहीं दिया गया, जरा देखिए किस चीज को दिया गया। हर्षवर्धन जो है उन्होंने आज बोला है कि शादियों और किसानों के प्रदर्शन से अचानक कोविड 19 के मामले एकदम से बढ़ चुके हैं, घूम फिर के वहीं पर आ गए। किसानों के प्रदर्शन से कोविड 19 के मामले बढ़ रहे हैं भाई साहब, चुनावी रैली से नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी सभा से नहीं बढ़ रहे हैं, बंगाल की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। बंगाल में जो हजार हजार रुपए देकर भीड़ इकट्ठी करी जा रही है, जो रोड शो करे जा रहे हैं, उसकी वजह से कोरोना वायरस नहीं बढ़ रहा है। कोरोना वायरस बढ़ रहा है किसानों के आंदोलन की वजह से, उस आंदोलन की वजह से जहां पर किसान अपने हकों की मांग कर रहे हैं, जो रुक नहीं सकते डेफिनेटली, क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। चुनावी रैलियां रुक सकती हैं, चुनाव रुक सकता है, लेकिन किसानों का जो मैटर है वो आप भी जानते हैं कि नहीं रुक सकता। और उस चीज को ब्लेम कर रहे हैं हर्षवर्धन सिंह, हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मतलब एक तरफ किस तरीके से मोदी सरकार कोरोना से निपटने में फेलियर रही है, जीरो, नील बटा सन्नाटा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को ब्लेम करने लग गई है। वो किसान जो खाना देता है आपको, राशन अन्न देता है, उसको ही ब्लेम कर रहे हो आप कोरोना के लिए। आखिरकार ये किस तरीके की तमाशेबाजी चल रही है, जहां पर एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो किसानों को ब्लेम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियों को ब्लेम कर रहे हैं कोरोना के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, आप जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कोरोना के बारे में। एक चुनावी सभा में, रोड शो में एबीपी के एक पत्रकार पहुंच गए। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एबीपी में कौन सा आदमी है आज की डेट में जो जेपी नड्डा से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। और भाई साहब, ये आदमी चढ़ के जेपी नड्डा की गाड़ी के ऊपर उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू के बीच में जेपी नड्डा से उन्होंने कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल पूछे, तो जरा देखिए एक बार जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया। नड्डा सर, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हाई कोर्ट ने एक याचिका का संज्ञान लिया है कि चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना एसओपी का पालन नहीं हो रहा है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे हाई कोर्ट? हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, इसी रैली में मैं देखूं नहीं हो रहा है, सर ये चिंताजनक नहीं है क्या? ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं आप, और प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से सफेद झूठ कैमरे के ऊपर बोल दिया जेपी नड्डा ने, और ये बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस को फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं। सामने दिख रहा है कि भीड़ खड़ी हुई है, कोई भी एसओपी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई भी दूरी नहीं रख रहा है, लेकिन जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। और इसके आगे जब सवाल को दोबारा पूछा गया और यह कहा गया पत्रकार के द्वारा कि यहां तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है कोविड के कोई भी गाइडलाइंस, तो जेपी नड्डा ने यह जवाब दिया कि हम लोग जीत रहे हैं इसलिए आप लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं।